कर्नाटका के अंदर हनुमान ध्वज को हटाने की पूरी कंट्रोवर्सी किया है। क्या कांग्रेस स्टेट के अंदर एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा को प्रमोट कर रही है? लेट्स सी। कर्नाटका की मांड्या डिस्ट्रिक्ट के अंदर केरागोडू नाम का एक विलेज है, जहां पे एक हफ्ता पहले एक लोकल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ने 108 फीट ऊंचे पोल को इंस्टॉल किया एक टेम्पल के पास में और उसके ऊपर हनुमान ध्वज को लहराया, जिसके बाद वहां के कुछ और रेजिडेंट्स ने इसके अगेंस्ट कंप्लेंट्स फाइल की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास में। तालुक पंचायत चीफ एग्जीक्यूटिव की डायरेक्शंस पे पंचायत के मेंबर्स ने उस फ्लैग को वहां से हटा दिया, जिसके अगेंस्ट ये सारे प्रोटेस्ट शुरू हुए। सिर्फ इसी रीजन के अंदर नहीं, इस रीजन के आसपास वाले एरियाज के अंदर इंक्लूडिंग बैंगलोर मैसिव प्रोटेस्ट होने शुरू हुए, जिसके बाद इस रीजन के अंदर सेक्शन 144 को भी इम्पोज किया गया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग केरागोडू के लोकल रेजिडेंट्स ने ही इस फ्लैग इंस्टॉलेशन के लिए फंड्स दिए थे। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कहना है कि श्री गौरी शंकर सेवा ट्रस्ट को परमिशन दी गई थी नेशनल फ्लैग को होस्ट करने की, जबकि ट्रस्ट का कहना है कि उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि वो इसे रिलीजियस पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। देयरफॉर दे मेंशन दैट दे वांट टू होस्ट अ सैफ्रन फ्लैग। इस प्रोटेस्ट के अंदर ऑपोजिशन के मेंबर्स बीजेपी और जनता दल सेक्युलर के वर्कर्स ने भी पार्टिसिपेट करना शुरू किया। ऑपोजिशन ने फ्लैग को हटाने के अगेंस्ट पद यात्रा शुरू की केरागोडू से लेके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस तक। ऑपोजिशन के ये एलिगेशंस हैं कि जो रूलिंग कांग्रेस गवर्नमेंट है वो स्टेट के अंदर एंटी हिंदू पॉलिसीज को प्रमोट कर रही है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस होल इंसिडेंट? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की फॉलो।